फिजा बात सुनो मेरी, नेशनल पुलिस नाइट में तुम जमील के साथ आ रही हो या किसी और के साथ? इस बारे में मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। क्या मतलब फैसला नहीं किया? तुम जानती हो जमील तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम अगर उसके साथ जाओगी तो अगले ही दिन वो अम्मी के साथ तुम्हारा रिश्ता लेकर आ जाएगा, जानती हो ना? ओ, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है और यही होगा, देखना। एक बात बताओ, क्या तुम बासित को पसंद करती हो? ये क्या कह रही हो तुम? तुम ये बात मुझसे नहीं छुपा सकती मेरी दोस्त, समझी? हटो वरना तुम जल जाओगी। फिजा, मैंने पहले ही दिन तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत देख ली थी। बासित जब भी तुम्हारे सामने आता है ना, तुम सब कुछ भूल जाती हो और तुम्हारी आंखों में सिर्फ उसी का चेहरा नजर आता है और कुछ भी नहीं, और दिली दिल में ये दुआ करती रहती हो कि वो तुम्हारी नजरों से कभी दूर ना जाए। मैम, मैं इसमें से आपको सिर्फ एक दे सकती हूँ। ठीक है, ये लीजिए। क्या ये मुझे दो मिल सकते हैं? नहीं, पॉलिसी के हिसाब से एक ही मिलेगा। किसी को क्या मालूम होगा? अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सब दे देती आपको, प्लीज बुरा मत माने आप। बेटा, हम बहुत गरीब हैं। मैम प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैंने आपको दे दिया तो बॉस गुस्सा होंगे मुझ पर। एक्सक्यूज मी, हाँ, क्या एक मुझे मिल सकता है मैम? ये लीजिए आंटी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया। क्या? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ नहीं, मुझे याले ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगी तो आगे हम मैं। तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं? टाइम है तुम्हारे पास? नो, दिखाई नहीं दे रहा, इस वक्त बिजी हूँ मैं। ठीक है, जब तक तुम फ्री नहीं हो जाती मैं यही इंतजार कर लेता हूँ। हेलो, खुश आमदीद, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। सुनो, दो मिनट रुक सकती हो यहाँ? ठीक है। हमारे दरमियान क्या बात हुई थी कल, क्या भूल गए हो? यही कि शादी कर रहे हैं हम दोनों। शायद पागल हो गए हो। और एक बेटी भी होगी। तुम्हारी ही तरह दिखेगी, आंखें भी तुम्हारे जैसी होंगी। क्या ये फजूल कहानी खत्म हो गई है तुम्हारी? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारी कहानी तो अभी शुरू हुई। हेलो जमील। हाँ, आज शाम? ठीक है, आकर पिक कर लेना मुझे। ओके, खुदा हाफिज। और कुछ कहना बाकी है? नो। ओके। बस भी नहीं रुकी यार। बस स्टॉप होता तो जरूर रुक जाती। तुम अभी तक गए नहीं? क्या कोई काम वाम नहीं है तुम्हारे पास? है तो, लेकिन तुम इस वक्त मेरी पहली तरजीह हो। हाँ। इसे पाए तक मिल तक पहुंचाना है मैं। हाँ, वाकई। और ये हमारे घर के मुतालिक है। हमारा घर? हाँ, मेरा, तुम्हारा और हम दोनों की बेटी का, छोटा मगर प्यारा सा। सोचो, घर को सजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, जैसे दिल चाहे तुम वही करना। हमारी बेटी का कमरा पिंक होना चाहिए, है ना? तुम भी ऐसे ही घर चाहती होगी, खुशहाल और एक छोटा सा घर। तुम कुछ नहीं कहोगी क्या? फिजा, अरे रुको तो। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या ये आप आगे दे सकती हैं? थैंक यू। बस में सफर मुफ्त नहीं होता, किराया लगता है। हाँ, मैं तो भूल ही गया, मेरे पास तो चेंज ही नहीं। ये जरा आगे पहुंचा दे प्लीज। ये किराया आगे दे दीजिएगा। हाँ तो क्या बात कर रहे थे हम? भाई साहब प्लीज, ये भी दे दीजिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं, ये ले। ये भी दे दीजिएगा आगे प्लीज।
अच्छा ये लें, ये भी लें। उम्मीद है ये आखिरी होगा। शुक्रिया। बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे किराया इकट्ठा करने आया था मैं। एक बात पूछूं मैं तुमसे, उस वक्त वो कॉल किसकी आई थी तुम्हें? हाँ जमील की थी। ओके। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। रात का क्या प्लान है तुम्हारा, जमील के साथ या बगैर जमील के? अगले स्टॉप पर बस रोकिएगा प्लीज। मैंने कुछ पूछा है, तुम उतर रही हो? हाँ क्योंकि मुझे यही उतरना था। अब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। अच्छा वाकई में?